हाँ, डैड सुनेंगे तो उन्हें काफी गुस्सा आएगा। डैड से याद आया, आज तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था और कुछ बातें की। उनका कॉल आया था? कहाँ है वो? क्यूबा। वो क्यूबा में क्या कर रहे हैं? आपको पता है वो कब वापस आएंगे? नहीं, पर वो वहाँ 1 महीने के लिए गए हैं। हम ये हॉलीडेज साथ बिताने वाले थे मॉम, लगता है हॉलीडेज खत्म होने तक आ ही जाएंगे। तुम अपसेट हो? नहीं नहीं हूँ मॉम, अब तो मुझे आदत हो गई है। डैड तो मुझे कॉल भी नहीं करते हैं। कम से कम वो ये तो बता देते कि वो जिंदा हैं। डार्लिंग, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर क्या करे, वो ऐसे ही हैं और मैं भी क्या कर सकती हूँ। पता है मॉम। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों हॉलीडे के लिए कहीं बाहर चलते हैं। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ ले चलूंगी तुम्हें, क्या कहती हो? अच्छा आइडिया है मॉम, बस तुम खुश रहो और कुछ नहीं। आयुदा? हाँ, मैं बस निकलने वाली हूँ। ठीक है, मिलते हैं। आसले सुनो ना, मैं निकल रही हूँ, आयुदा का कॉल आया था, तुम्हारा वेट करूँ क्या? नहीं गोंजा, तुम जाओ। अब बहुत हो गया, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। अब मिस्टर थॉरगुड, मैं बस जा ही रहा था। अपना काम खत्म कर लिया तुमने? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है। दिखाओगे कि क्या किया तुमने? अब मैं कल कर लूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है? बुराक, मैंने तुम्हें कहा था कि इसे आज ही खत्म करना है। आई एम सॉरी, पर इन्हें जमाए बिना तुम नहीं जा सकते। मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं जा सकते हैं। आप मुझे रोकोगे? मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से शिकायत कर दूंगा। और क्या? क्या सच कह रहे हो? निहाद सर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे। तो आप कोई बहाना नहीं बनाओगे? ठीक है ओके। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कॉल करिए, जो करने का मैं तो चला। हाँ बोलो मॉम। अरे बेटा, काम का पहला दिन कैसा चल रहा है? सब ठीक है मॉम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे डैड और मैंने शर्त लगाई थी, उन्होंने कहा था तुम 1 दिन भी नहीं टिकोगे और जल्दी ही तुम्हारी शिकायत के लिए कॉल आ जाएगी। तो मैंने कहा तुम मेरे बेटे को नहीं जानते। तुम हैरान हो जाओगे, अपनी सोच पे शर्मिंदगी होगी तुम्हें। थैंक गॉड, आई एम राइट डार्लिंग। अपने डैड को मत बताना कि मैंने कॉल किया था, ये हमारा सीक्रेट है। ओके, बिल्कुल मत बताना। अरे शायद वो आ रहे हैं, मैं रखती हूँ। सी यू बेबी। मुझे तो एक्ट्रेस बन जाना चाहिए। अब बुराक 1 महीने तक तो ये बात याद रखेगा। सुल्तान सेल्डा, फिर से क्या ड्रामा कर रही हो? ओ निहाद, तुम कब आए पता ही नहीं चला। बस अभी। वेलकम होम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। तो ये सारे फॉर्म्स अल्फाबेटिकली रखने हैं, है ना? हाँ। All the best. नहीं, मैं ये अकेले हरगिज नहीं कर सकता। मैं जा रही हूँ, कोई और काम है? No thanks, see you. ठीक है। अब ये फिर से क्यों कॉल कर रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जरा ठीक से बात करो। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम मेरे बॉस हो। जी मिस्टर बुराक। मेरे कैबिन में आ जाओ जल्दी। प्लीज ऑर्डर मत करो,
प्लीज आओगी यहाँ? क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? जिद मत करो, आ जाओ यार। ठीक है। हाँ बोलो, क्या चाहिए? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी। कहाँ के लिए? क्या मतलब कहाँ के लिए? मुझे घर जाना है, मैं यहाँ थोड़ी सो सकती हूँ। लगता मुझे यहाँ सुबह तक रहना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती क्या? आई एम वेरी सॉरी, पर मैं बहुत थकी हुई हूँ। अगर मैं घर लेट पहुंची तो मॉम फिक्र करेंगी। हम कॉल करके बता देंगे उन्हें, प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुमसे हेल्प की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जब तुमने कहा कि छिपो तो मैं कितने घंटों तक छुपी रही ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना देखे। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ ना तुम। ओके, गुड नाइट। सिर्फ यही एक औरत है जो हमेशा ना कहती है। बस कब आने वाली है? वो तो कब की चली गई है, पर आगे एक बस स्टॉप है, पर अंदर मैनेजमेंट के लोग होंगे। जाओ, कोई ना कोई तुम्हें ड्रॉप कर देगा, चेक कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ मतलब एक आध दिन के लिए ठीक है, पर हर रोज हरगिज नहीं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ फंस गई हूँ, जाकर मदद ही कर देती हूँ। मॉम, असल कहाँ हो बेटा? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी यहाँ पर, अभी भी थोड़ा काम बाकी है। ओह, इतना काम करा रहे हैं तुमसे? नहीं, मैं खुद ही रुकी हुई हूँ मॉम, और मैं बिल्कुल थकी हुई भी नहीं हूँ। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करो। ठीक है मॉम, जल्दी आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इतनी फाइल्स खत्म नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जल्दी याद आई मेरी। तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हो गई है और मैं लेट हो गई हूँ। एनीवे, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम वापस आ गई। मेरा मतलब काम बहुत है, तुम हेल्प करोगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, करना ही पड़ेगा ना, बॉस कहीं के। ठीक है, यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ। ओके, शुरू करो। हमें सारे फॉर्म्स को अल्फाबेटिकली रखना है, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट कर दिया, इनफैक्ट सी तक खत्म भी कर दिया। ऐसे कह रहे हो जैसे सी नहीं वी तक पहुंच गए हो, तुम तीसरे लेटर पर ही हो। क्या बात है, काफी एनर्जेटिक लग रही हो, मुझे लगता है वी तक भी पहुंच ही जाएंगे। ओके, जब तक मैं ये करती हूँ तुम मेंबर के नाम कंप्यूटर में फीड करना शुरू करो, समझे तुम? जल्दी करो। ओके बॉस। नए घर के लिए कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं आइसक्रीम लेकर आई हूँ। सो स्वीट ऑफ यू, हमेशा कुछ ना कुछ ले आती हो। चलो अंदर चलते हैं। वाओ, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। है ना, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, क्या बात है? तुमसे एक जरूरी काम था। और वो क्या है?
उस दिन हम जिस मेकअप आर्टिस्ट के पास गए थे उसके पास जाओ और बात करो। कौन सा मेकअप आर्टिस्ट? वही मेकअप आर्टिस्ट जो कोराय और डेनिस के बारे में बता रहा था। हाँ हाँ, मुझे याद आया, तो उसे क्या बात करूँ मैं? पहले मुझे पिक्चर्स चाहिए ये साबित करने के लिए कि डेनिस और कोराय का अफेयर था, और मुझे यकीन है कि वो हमारी हेल्प जरूर करेगी। ऐसा क्यों लगता है वो हमारी हेल्प करेगी? कम ऑन टूजे, पैसे के लिए और क्या? ओके, गुस्सा मत करना, मैं भूल गई, मैं कल चली जाऊंगी। छोड़ो, रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी। मैं कर लूंगी, पहले बताओ करना क्या है। ओके, सबसे पहले उसे मेकअप करवाना और बातचीत करना, फिर कुछ बढ़िया गॉसिप करना, क्योंकि उसे गॉसिप करना बहुत पसंद है तो वो जरूर बताएगी। फिर उसे कहना कि तुमने पेपर्स को कुछ न्यूज बेची थी, और ये भी कहना कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, फिर सब आसान हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता चाला, तुमने तो पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली है। तो फिर तुम ये रोल अच्छे से प्ले करना। जब झूठ सामने आएगा तब मुझे डेनिस के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना है। और तुम उसे ये बात कब बताओगी? सही वक्त आने पर। ये लो। लो ये लिखो। देख क्या रहे हो, लिखो ना। थक गया हूँ, चलो ना एक ब्रेक लेते हैं। अरे ऐसे कैसे ब्रेक ले सकते हैं, हमें तो और भी जल्दी काम करना चाहिए। चलो जल्दी से हाथ चलाओ। जल्दी हाथ चलाओ? हाँ, तुम सच में फनी हो। अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना है। एक ही जगह इतनी देर नहीं रह सकता, घुटन होती है। हम एक जगह जा सकते हैं। पर कहाँ? अपना लैपटॉप लो और मेरे साथ चलो। चलो। हेलो डेनिस। क्या कर रहे हो? बस अभी घर आया हूँ। आज रात हम मिलने वाले हैं ना? नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, बस सोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। वोल्कान, वैसे मैं इस बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी, पर तब तक रुक नहीं पाऊंगी। मेरे बाद तुम जिस लड़की के साथ थे, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। डेनिस, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है यार? डेनिस, गर्लफ्रेंड वाली बात झूठ थी, वो तो एक नाटक था जो बुराक ने खेला था ताकि चाला बुराक के बारे में गलत ना सोचे, और मुझे भी उसका साथ देना ही पड़ा। मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या सच में यही बात थी? पर ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं भी तुमसे उतना ही लॉयल था जितनी तुम मेरे साथ थी, लेकिन देखो तुम ये सब चाला को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो वो बुराक के साथ ब्रेकअप कर लेगी। यस ऑफ कोर्स, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके, सी यू बेब। देखो, हम
हम यहाँ काम कर सकते हैं। आई होप तुम यहाँ बोर नहीं होंगे। काफी अच्छा आइडिया है, जगह बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। ये तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। अब चलो काम करते हैं। तुम देख क्या रहे हो? अब कुछ नहीं। चलो कम ऑन, तुम मुझे नाम बताओ, मैं एंटर करती जाती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ओके। फिलिस। अभी तक आया क्यों नहीं? वो काम कर रहा होगा ना। तुरगुट ने भी मुझे यही कहा था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं उसे कॉल करती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कॉल करता हूँ। अरे फोन नीचे रखो, बाद में खेल लेना। अब चलो आगे बोलो। अच्छा है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो। बुराक, जल्दी। ओके, चलो अब लिखो। लिख रही हूँ। तुम्हारा फोन। हाँ बोलो डैड। हेलो बुराक, कहाँ हो तुम? क्लब में डैड, काम खत्म कर रहा हूँ। क्लब में हो? इतनी लेट काम कर रहे हो? आप कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। बेटा, या तो तुम कभी काम नहीं करते हो, या करते हो तो फिर घर नहीं आते हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कंफ्यूज कर देते हो, क्या कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है डैड, काम खत्म होने पर घर आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके बेटा, ठीक है, पर जल्दी आना। वो काम कर रहा है, खत्म करके आ जाएगा। वो काम कर रहा है ना, पर तुम्हें तो यकीन ही नहीं होता। हाँ वो काम कर रहा है, पर वो इससे ज्यादा नहीं करेगा। तुम देखना, कल वो काम पर जाने वाला बिल्कुल नहीं है। जो कहो वो हार जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जो कहूंगी वो शर्त? हाँ जो तुम कहो। ओके निहात, हो जाए शर्त। मेरी मॉम फिक्र कर रही होंगी, मैंने कहा था मैं लेट हो जाऊंगी। बस हो ही गया। और हाँ, अगर तुम नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। पर ये आखिरी बार था। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ थोड़ा अजीब हो जाएगा, मैं घर के पास उतर जाऊंगी। ओके ओके, चलो। अब कॉल मत करना क्योंकि तुम्हें पता है कि काम कैसे करना है। जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं काम करूंगा। मेरे लिए इतना काम करना आसान नहीं, मुश्किल है। ऐसा कह रहे हो मानो तुम मजदूरी करके आए हो। ऐसा भी क्या कर लिया जो तुम इतने थक गए? मेरे डैड कह रहे थे कि काम कितना आसान है, जिम्मेदारी लेना और बाकी सब करना। जब वक्त आएगा तब मैं इस सब बारे में सोचूंगा ना। अभी से क्यों सोचूं? सही कह रहा हूं ना? तुम्हें कैसे पता कि वक्त आएगा बुराक? तुम्हारे लिए तो जिंदगी एक खेल है, पर तुम एक ही पल में सब कुछ गवा सकते हो। इतना आसान नहीं है। मेरे डैड की डेथ से पहले मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर एक ही पल में मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे स्ट्रांग होकर नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, काम पर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे डैड नहीं थे जो मेरे लिए काम करते हैं। हर चीज का सामना मैंने और मॉम ने किया, और अभी तक हम कर ही रहे हैं। Hey, I'm sorry, yeah. तुम्हारे डैड तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं ताकि तुम्हें कुछ करना ना पड़े, और जब तुम अकेले रह जाओगे ना तो आराम से सब संभाल लोगे। तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें बस उसे मेंटेन करना है। तुम कह रही हो तो लग रहा है कि डैड ठीक ही कहता है। तुम्हारी फैमिली को मैं जानती हूँ, वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम सच में बहुत लकी हो। थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। मुझे यहीं उतर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।
थैंक्स अगेन। ओके, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे बाद आता हूं। अच्छा कि अंधेरा हो गया तो। कहां रह गई ये लड़की? ओह अल्लाह, उसकी रक्षा करना, उसे अच्छे लोगों से मिलाना। मैं आ गई। असलो, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। पर क्यों मॉम, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही थी? मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे देर हो जाएगी। हाँ, तुमने कहा था बेटा, पर तुम्हें पता तो है कि जब अंधेरा हो जाता है तो मैं कितना डर जाती हूँ। आप शांत हो जाइए मॉम। ओके ओके, मैं ठीक हूँ। जब माँ बनोगी तो खुद समझ जाओगी। असला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? दिखाती हूँ, चलो। देखो, बहुत अच्छा है। आजकल कुछ पेंट करने की इच्छा ही नहीं होती है मॉम। जानती हूँ, समझती हूँ। असल शायद इस तरह तुम इस जगह को अब घर समझने लगो। जहाँ आप हो वही मेरा घर है मॉम, आप ही मेरा सब कुछ हो। मेरा बच्चा, आपने मुझे बहुत खुशी दी। भूख लगी है? मैं कुछ बना दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस सोना चाहूंगी। ठीक है, लाओ मुझे। तो कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था। मैं बैग्स लेकर स्टोर से निकली तो दरअसल मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मैं कहां जा रही हूं, तो मैं नरिमन से टकरा गई। हम दोनों शॉक्ड हो गए इतने सालों बाद। हेलो, मेरा बच्चा आ गया काम से। हाँ मॉम, मैं आ गया। कैसे हो तुम? काम कैसा रहा? अच्छा था डैड। अच्छा था? एनीवे, मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह ऑफिस है तो मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, राइट? क्या कहा तुमने? तुम कल भी ऑफिस जाने वाले हो? सच कह रहे हो? हाँ, आप इतने हैरान क्यों हो रहे डैड? आप ठीक कहते हैं, मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि कोई भी चीज हमें कभी कमजोर ना कर सके। तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। क्या ये बुरा की था? अरे मैं तो अभी भी शॉक में हूँ। Bana
Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durulur sular gibi hasretin çarpar yüreğime. Saçlarını savurur rüzgar gibi. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बुरा कैसा है। मैंने कहा ना मेरा बेटा कर सकता है, तुम ही शक करते हो। तुम्हें पता नहीं मुझे उस पर कितना नाज हो रहा है। मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए, सिंसियर और समझदार। सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ सच में। मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है निहार। पर उसे ये मत बताना कि मैंने ऐसा कहा, प्लीज। पर क्यों? उसे सुनकर खुशी होगी निहार। तुम अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर क्यों नहीं करते निहार? तुम अपना अपना प्यार, अपनी फिक्र, तुम बताओ, तुम्हें नाज है उस पर। तुम ठीक कह रही हो, पर मेरी ऐसी आदत नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। ओ माय डार्लिंग। चलो, बहुत थक गया हूं मैं, नींद आ रही है, अब सोने चलें। ओके माय लव। तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। हमारे लिए सैंडविच बना लो ना। क्या मैं बनाऊँ? हाँ बिल्कुल। ऑफिस में ऑर्डर देते हो, अब घर में भी? ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बनाता हूँ, पर पहली बार बना रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं बना तो कुछ कहना मत, ओके? ओके, बना लो। तुम प्लेट्स निकालो तब तक। ओके। तुम फिक्र मत करो, कोई आया तो मैं तुम्हें फिर से छुपा दूंगा। हाँ, छिपाने वाली चीजों में तुम एक्सपर्ट हो। सैंडविचेस तैयार हैं। और चाय भी। वैसे सच में क्या अच्छी टीम है हमारी, ऑफिस में भी और घर पे भी। अरे वाह। वाह क्या बात है। ये क्या हुआ? सैंडविच टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच।
इससे पहले मैं पकड़ी जाऊं मुझे वापस जाना चाहिए। आसले, her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Güzel क्या हुआ, अब और क्या चाहिए? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim. Daima küçücük bir kız gibi sarıl bana. Ben de tümüne çok like kardım. Al beni. Saçma. Öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış olmama. Gülümse yeter bana. Aslı? Burak sir? वो मुझे थोड़ी भूख लगी थी। क्या बनाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू, खा लिया मैंने। मैं बस मैं बस जा ही रहा था। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मॉम मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। बुराक यहाँ नहीं। असला बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम अकेले उसके साथ नहीं देखी जा सकती। अगर मिसेस सेल्डर देख लेती तो? हाँ आप सही कह रही हैं, मैंने नहीं सोचा था। असलक कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे वादा किया है कि हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखना। ओके मैं आगे से ध्यान रखूंगी मॉम, पक्का। ठीक है बेटा, चलो रात हो गई है, सो जाते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता, really नहीं हो सकता। उसके अंदर तो मेरे लिए कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। उसे तो शर्म भी नहीं आती कि उसकी गर्लफ्रेंड है। पहली बात तो वो लॉयल ही नहीं है, दूसरी बात वो मुझसे मजाक कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है। असला तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हें कल जल्दी उठना है ना, तो अब सो जाओ। हाँ मॉम ठीक है, चलो सो जा। ये मैंने क्या कर दिया? खैर जो क्या सही किया। और मेरी मॉम, उन्हें पता चला तो क्या? मैं उनसे झूठ भी तो नहीं बोल सकती। कम ऑन, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। असला क्या हो रहा है? कुछ नहीं मॉम, आज काम पर जल्दी जाना है। तुम नाश्ता करके नहीं जाओगी? नहीं मॉम, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। असलो तुम्हें मेरी कल की बात का बुरा तो नहीं लगा? सच सच बताओ, क्या तुम इसलिए बिना कुछ खाए जल्दी जा रही हो? नहीं मॉम, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हें बुरा लगा? नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट आप सही हो। मैं ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी बड़ी हो गई। असल मुझे ये बात पता है कि मेरी बेटी ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन मिसेस सेल्डा इन बातों को लेकर सेंसिटिव है।
क्या बातें, उसके बेटे के बारे में? हाँ। हम क्या करेंगे उसको? हाँ बिल्कुल, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी। हाँ मैं समझ गई मॉम, मैंने आपको आज तक कोई तकलीफ नहीं दी है, फिक्र मत कीजिए, अभी भी नहीं दूंगी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। आप भी मॉम। और याद से कुछ खा लेना। ओके। हेलो गोंजा। हाँ मैं जल्दी उठ गई, काम पर साथ में चले क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। है कुछ इम्पोर्टेंट यार। ठीक है मैं अभी निकल रही हूँ, मिलते हैं। जल्दी बताओ क्या हुआ, बुराक के बारे में बात करनी है या वोल्कान के बारे में? बुराक। क्या हुआ? वेट, मेरे जाने के बाद हुआ राइट? मैं जल्दी क्यों निकली, सब मिस कर दिया मैंने, है ना? अब तुम सुनोगी क्या? हाँ जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, तो तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया फिर से मदद के लिए, मैंने इनकार कर दिया और मेरी आखिरी बस भी छूट गई, क्लब में अकेली थी तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ी यार। मदद तो करनी ही थी। हाँ गोंजा, मैंने बोला ना मेरी बस छूट गई थी, तुम्हें पता ना वो किसी की नहीं सुनता। एनीवे, तो हम पूरी रात एक साथ काम कर रहे थे। काम कर रहे थे स्पोर्ट्स क्लब में, वो भी अकेले। हाँ गोंजा अकेले, मतलब फिर से? हाँ ऑफ कोर्स, जरूर जरूर। क्या फिर से गोंजा, क्या उसने फिर से किस किया? नहीं उसने फिर से किस नहीं किया। उसने, तुम्हें यकीन तो है ना? हाँ गोंजा यकीन है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ ना। ठीक है चलो मान लिया, उसके बाद क्या हुआ बता। फिर हम घर चले गए, हम दोनों एक ही घर में तो रहते हैं। ये साल की सबसे मजेदार खबर है। व्हाटएवर, मुझे आधी रात को भूख लगी थी और उसे भी भूख लगी थी। क्या सच में? क्या इत्तेफाक की बात है, तुम दोनों को भूख भी लगी, वो भी एक साथ। उसके बाद तुम दोनों एक साथ किचन में गए होगे और वहाँ पर मुलाकात हो गई होगी। नहीं गोंजा, हम पूरी रात काम कर रहे थे और हमें भूख लगना जायज तो था ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने मेरे लिए सैंडविच बनाया। बुराक ने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया, अपने हाथों से बनाया? यार वो पक्का तुम्हें बहुत पसंद करता है। हाँ उसने मुझे बोला। क्या बोला उसने? यही कि वो मुझे पसंद करता है।
यार कमाल है, मुझे ये सब पहले कैसे पता चल जाता है? कौन जा कैसे पता चल जाता है तुम्हें, समझ नहीं आता। अच्छा तो कैसे बोला उसने? अरे यार पता नहीं, बस उसने कह दिया। एक मिनट, मैं सारी बातें जानने के लिए पागल हो रही हूँ असलम। मैं तो तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि उसने कैसे बोला, उसने तुम्हारे हाथ पकड़े थे या नहीं, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहा था क्या, उसने आहिस्ते से कहा था या फिर सारी बातें जोर जोर से कह दी थी? पता नहीं गोंजा, बस उसने बोल दिया, पता नहीं। ठीक है असले, ठीक है, फिर तुमने उससे क्या कहा? मैं क्या बोलती, मैं तो हैरान रह गई थी ना, फिर मेरी मॉम आ गई, फिर हमें जाना पड़ा। ओ आंटी एमिल, उन्हें और कोई टाइम नहीं मिला था क्या आने के लिए? फिर क्या कहा उन्होंने? क्या बोलती वो? उन्हें बहुत अजीब लगा। बुरा हुआ कि तुम पकड़े गए। नहीं गोंजा, मैं तो सोचती हूँ अच्छा हुआ हम पकड़े गए। क्या मतलब, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मेरी मॉम ने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतनी रात तक बुराक के साथ क्या कर रही थी, और कोई आ जाता तो मेरा क्या होता, जरा सोचो तो। मिस सेल्डा, मिस्टर निहात को मैं क्या कहती, जरा सोचो। मेरी मॉम शर्मिंदा हो जाती। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ गोंजा, और अनजान कैसे बन सकती हूँ मैं? मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। आसल, मैं बताऊं कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? क्योंकि तुम्हें भी बुराक पसंद है। ये क्या कह रही हो तुम गोंजा, बकवास मत करो, कुछ भी बोल रही हो। मुझे कोई नहीं पसंद, मुझे तो वो बिल्कुल ही नहीं पसंद। हाँ, हाँ, तुम्हें कोई पसंद नहीं है, बुराक भी पसंद नहीं, पता है? अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे वो पसंद नहीं है गोंजा, तो मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? ठीक है तुम्हें नहीं पसंद है, बट उसे तो तुम पसंद हो। गोंजा मैंने तुम्हें बताया ही क्यों। एनीवे चलो अब काम पर लेट हो रहे। मैं ये नहीं पहन सकता, अगर मैंने ये पहन लिया तो वहां सब मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। उसने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, क्या अभी तक सो रही है? आसल, मुझे विश्वास नहीं होता कि मुजरोलो का इकलौता वारिस तुम्हें पसंद करता है। कितनी मजे की बात है ना, इतना एग्जैजरेट मत करो गोंजा, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता, वो तो बस मेरे साथ शायद टाइम पास कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड से उसका दिल नहीं भरता। देखो लगता नहीं उससे प्यार करता है। नहीं करता? कैसे पता तुम्हें? बस पता है यार। मतलब तुम्हें कैसे पता ये बात? उसके चेहरे पर लिखा है। प्यार तो अलग होता है यार, प्यार में तो इंसान आंखों में डूब जाता है, ऐसे देखता है जैसे तुम उसकी आंखों में कैद हो जाओ, और तुम्हें भागने का मन भी नहीं करता है। दुनिया तो जैसे रुक सी जाती है, और उससे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बस तुम दोनों हो और कोई भी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में और बुराक में ऐसा कोई अट्रैक्शन है? मेरे हिसाब से तो है। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.